गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। नवाज शरीफ ने पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाने की हिमायत कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से 3.5 घंटे तवील मुलाकात की, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नए वजीर आला के नाम पर मशावरत बाद में करने का फैसला। नवाज शरीफ को बताया गया कि पंजाब में काफ लीग के बड़े ग्रुप और जनूबी पंजाब के नाराज ग्रुप की हिमायत हासिल है। मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद आइंदा 10 से 15 रोज में पेश करने पर भी मशावरत की गई। पंजाब हुकूमत के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गया। पीटीआई पार्लियामानी पार्टी इजलास में 20 से ज़ायद अरकान गैर हाजिर रहे। समा अंदर की कहानी सामने ले आया। अरकान की गैर हाजिरी पर इमरान खान नाराज। एमपीएस चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ फट पड़े। शिकवा किया कि क्या पीटीआई अरकान लावारिस हैं। काफ लीग के कौंसलर सदा के लोगों को मुशीर बना दिया गया है। लगता नहीं पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। इमरान खान ने एतराफ़ किया कि उन्हें मजबूरन काफ लीग को हुकूमत देना पड़ी। पंजाब में पीटीआई को अपना वजूद मनवाना होगा। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की सिविल सेक्रेटरीट आमद, सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। मुलाजमीन का कहना था कि 2 माह पहले उन्हें मुस्तकिल किया गया लेकिन तनख्वाहें नहीं दी जा रही। परवेज इलाही मुलाजमीन की बात सुने बगैर ही रवाना हो गए। और इमरान खान पर कायम मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात खारिज करने का हुक्म इस्लामाबाद हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने महफूज फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि केस में दहशतगर्दी की दफात नहीं बनती, दीगर दफात पर कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन में तोशाखाना रेफरेंस पर भी समाअत हुई। इमरान खान के वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए, कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया।